नमस्कार, मैं खुशवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विजय कुमार सिन्हा ने इस्तीफा देने के बाद कहा, हमें जवाब देना था। अवध बिहारी 25 अगस्त को लेंगे विधानसभा अध्यक्ष पद की शपथ। राजद के 25 ठिकानों पर सीबीआई का छापा। राबड़ी देवी ने कहा, जनता सब देख रही है। विधान परिषद के सभापति के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए देवेश चंद्र ठाकुर। जिम्बाब्वे का सुपड़ा साफ करके तीसरे नंबर पर पहुंची टीम इंडिया। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। विजय कुमार सिन्हा ने इस्तीफा देने के बाद कहा, हमें जवाब देना था। बिहार की नई सरकार की फ्लोर टेस्ट से पहले और विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आज भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सदन में बहुमत से उन्हें अध्यक्ष चुना गया था। वर्तमान राजनीतिक हालात में बहुमत मेरे पक्ष में नहीं है, इसलिए पद का त्याग करता हूँ। वहीं पद से इस्तीफा देने के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे पहले ही सरकार गठन के बाद इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन उन पर विधायकों ने कल आरोप लगा दिए। ऐसे में उन्हें इन आरोपों पर जवाब देना था। अवध बिहारी 25 अगस्त को लेंगे विधानसभा अध्यक्ष पद की शपथ। बीते दिन उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में राबड़ी आवास पर विधानमंडल दल की अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक में फैसला लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष के लिए अवध बिहारी चौधरी के नाम की घोषणा की गई। वहीं बीते दिन बैठक के बाद तेजस्वी यादव सीएम आवास गए, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले। इसके बाद अब आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के नए स्पीकर होंगे। अवध बिहारी कल स्पीकर पद के लिए नामांकन करेंगे और 26 अगस्त को नए विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। बताया जा रहा है कि विधानसभा सत्र की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी। बिहार से लेकर झारखंड तक केंद्र की जांच एजेंसी का छापा। आज सुबह से ही केंद्र की जांच एजेंसी सीबीआई बिहार के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें राजद के करीब 5 नेता और पूर्व नेता सहित चिराग पासवान के करीबी माने जाने वाले भागलपुर के डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के ठिकानों पर आईटी की टीम ने छापेमारी के लिए पहुंची। जानकारी के मुताबिक राजेश वर्मा सोने चांदी के कारोबार से भी जुड़े हैं। इस मामले में न सिर्फ भागलपुर के ठिकानों पर बल्कि झारखंड में भी आईटी की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची। इसके अलावा नाथनगर के सामाजिक नेता विजय यादव के घर पर भी आयकर विभाग एवं ईडी की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची। जिलों में बारिश और ठनका को लेकर अलर्ट जारी। बिहार में बारिश संबंधी गतिविधियां इन दिनों बदलती हुई दिख रही हैं। कभी बारिश तो कभी धूप लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि बीते दिन हुई बारिश की वजह से बारिश की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस बीच मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज देर शाम 14 जिलों में बारिश और वज्रपात के आसार हैं। पटना मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक पटना, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा और बेगूसराय जिले में आज वज्रपात के साथ बारिश की आशंका है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से खास मौसम में सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। राजद के 25 ठिकानों पर सीबीआई का छापा। राबड़ी देवी ने कहा, जनता सब देख रही है। बिहार में नई सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बिहार में 25 ठिकानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने जॉब के बदले जमीन मामले में यह कार्रवाई की है। सीबीआई ने जिन जगहों पर छापेमारी की है उनमें आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह, पूर्व आरजेडी एमएलसी सुबोध राय, राज्यसभा सांसद अशफाक करीम, सुभाष यादव और फैयाज अहमद के ठिकाने भी शामिल हैं। बिहार में राजद नेता यहां सीबीआई की छापेमारी ऐसे वक्त पर हुई है जब आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना था। ऐसे में आरजेडी ने इसे बदले की कार्रवाई करार देते हुए केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी पर निशाना साधा है। राबड़ी देवी ने सीबीआई छापों पर कहा कि जनता सब देख रही है, सीबीआई ने हमें डराने के लिए कार्रवाई की है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, यह पहली बार नहीं हो रहा है। यूजीसी को नहीं मिला 90 करोड़ का हिसाब किताब। कोलकाता से आई यूजीसी की टीम ने बिहार के सभी विश्वविद्यालय के खर्च का हिसाब किताब लेना शुरू कर दिया है, जो कि राज्य के करीब 325 कॉलेजों को 11वीं और 12वीं की पंचवर्षीय योजना के तहत दी गई अनुदान राशि का हिसाब देना है। आपको बताते चले कि मंगलवार को ईस्टर्न रीजन कार्यालय कोलकाता से डिप्टी डायरेक्टर अमोल अंधारे अपनी टीम के साथ स्वयं यहाँ पहुंचे और बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के 50 कॉलेजों से हिसाब किताब लिया। अमोल अंधारे ने बताया कि करीब 90 करोड़ रुपए का हिसाब किताब जो यूजीसी को नहीं मिल सका है, इन कॉलेजों का 28 अगस्त तक सेटलमेंट यहां रहकर किया जाएगा। जो कॉलेज हिसाब देंगे उन्हें ऑन स्पॉट सेटलमेंट लेटर जारी किया जाएगा। वहीं जो हिसाब नहीं देंगे उन्हें सूद समेत राशि वापस करनी होगी। जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल जारी। बिहार में जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल जारी है। पटना के पीएमसीएच और एनएमसीएच सहित कई अस्पतालों के जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल के बीच बीते दिन मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर हड़ताल पर चले गए। इस बीच अस्पताल की ओपीडी व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। वहीं आज भी इंटर्न डॉक्टरों का हड़ताल जारी है। जूनियर डॉक्टरों का कहना था कि बिहार के ही दूसरे मेडिकल कॉलेजों पर शिक्षु डॉक्टरों को अधिक स्टाइपेंड दिया जाता है। सरकार ने आश्वासन दिया था कि उनका मासिक भत्ता 15,000 रुपए से बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।
बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी पैट 2020 के सफल विद्यार्थियों को मिलेगा सीधे इंटरव्यू का मौका। भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय की ओर से पैट यानी पीएचडी एडमिशन टेस्ट सत्र 2020 में नामांकन के लिए पिछले हफ्ते फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है, जिस पर संबंधित विभागों में कोर्स वर्क के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। लिखित परीक्षा में सफल करीब 200 अभ्यर्थी इंटरव्यू या पीजी के मार्क्स के कारण फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ सके हैं। ऐसे अभ्यर्थी पैट 2021 या पैट 2022 में आवेदन करेंगे तो उन्हें लिखित परीक्षा से छूट देकर सीधे इंटरव्यू में शामिल किया जाएगा। पीएचडी एडमिशन टेस्ट की वैधता 3 सत्र के लिए होती है, यानी अभ्यर्थी 3 सत्र तक इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। आपको बताते चले कि बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में पीएचडी का सत्र भी 2 साल विलंब चल रहा है। विधान परिषद सभापति के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए देवेश चंद्र ठाकुर। बिहार विधान परिषद के सभापति जदयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर को चुना गया है। देवेश चंद्र बिहार विधान परिषद के नए सभापति होंगे। आपको बताते चले कि महागठबंधन के उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर सभापति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। बिहार विधान परिषद सभापति के लिए देवेश चंद्र ठाकुर ने आज नामांकन दाखिल करवाया था। नामांकन के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी सहित महागठबंधन के अन्य बड़े नेता मौजूद रहे। 5 लाख देकर की 5 साल बिना वेतन की नौकरी। बिहार में फर्जी थाना के बाद अब फर्जी बहाली का मामला सामने आ रहा है। शायद आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि फर्जी बहाली पर ये लोग करीब 5 सालों से बिना कोई भुगतान के नौकरी किए जा रहे थे। दरअसल समस्तीपुर के बंगड़ा थाना क्षेत्र के कुबौली राम की रीना ने मुजफ्फरपुर के सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। रीना की माने तो फर्जी बहाली पर 5 साल तक स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न संस्थानों में नौकरी की, लेकिन वेतन नहीं मिला। जब बहाली को लेकर शक हुआ तो खुद ही छानबीन में जुट गए। जब इसका खुलासा हुआ तो सब कुछ जा चुका था। प्रीता का कहना है कि 5 लाख लेकर फर्जी बहाली की गई। रीना ने यह भी कहा कि कई पुरुष हैं जो इस क्षेत्र में 2016 से 2021 तक बिचौलियों का शिकार रहे हैं। महेश्वरी हजारी बने विधानसभा के अंतरिम अध्यक्ष। भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा द्वारा अपने पद से इस्तीफा देने के बाद डिप्टी स्पीकर महेश्वरी हजारी को सदन की कमान सौंप दी गई। जब तक विधानसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं ले लेते, महेश्वरी हजारी ही सदन को चलाएंगे। दरअसल स्पीकर की कुर्सी पर बैठे बैठे विजय कुमार सिन्हा ने 2 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। हालांकि बाद में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ महेश्वरी हजारी के पास पहुंचे और डिप्टी स्पीकर को अगले स्पीकर के चुनाव तक सदन के संचालन के लिए जिम्मेदारी दी। इस मौके पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने महेश्वर हजारी को बधाई दी है। सीबीआई द्वारा की जा रही छापेमारी पर पूर्व उप मुख्यमंत्री का बयान। आज का दिन बिहार की राजनीति में काफी हलचल देखने को मिला। एक और जहां केंद्र की जांच एजेंसी के द्वारा बिहार के करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई, वहीं बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी विधायकों का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि हम यहां विधानसभा सत्र के लिए आए हैं। जहां तक छापों का सवाल है, यह एक स्वतंत्र एजेंसी है जो अपना काम कर रही है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सीबीआई के छापेमारी के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, 100 सुनार की 1 लोहार की। बिहार के सियासी गलियारों में उठा पटक जारी है। इस बीच आज बहुत कुछ हुआ। फ्लोर टेस्ट से पहले विजय कुमार सिन्हा का विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा, भाजपा का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, सीबीआई का छापा। इस दौरान पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। राजद नेता के कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा। सीबीआई की छापेमारी के बाद तेजस्वी यादव ने काफी तल्ख तेवर में दिखे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि समय आने पर सदन के अंदर बीजेपी को भी जवाब देंगे। दरअसल विधानसभा में स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के इस्तीफे के बाद तेजस्वी यादव ने छापेमारी को लेकर कहा कि वह सदन के अंदर जवाब देंगे। 100 सुनार की 1 लोहार की। बिहार में खुदाई के दौरान मिला 150 साल पुराना रोलर। पटना कलेक्ट्रेट का नया भवन बनाने के लिए खुदाई का काम चल रहा है। खुदाई के दौरान वहां वास्प से चलने वाला रोलर मिला है। माना जा रहा है कि यह करीब 150 साल पुराना है। कहा जा रहा है कि इस रोलर से ब्रिटिश काल में सड़क निर्माण होता था। कलेक्ट्रेट के मुख्य भवन के बेसमेंट को बनाने के लिए लगभग 70 फीट नीचे खुदाई का काम चल रहा है। जिला परिषद के पास से ही यह रोलर मिट्टी में दबा था। इस रोलर को पटना संग्रहालय में रखने की बात कही जा रही है। जिम्बाब्वे का सुपड़ा साफ करके 3रे नंबर पर पहुंची टीम इंडिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ 3-0 से वनडे सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया को आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में जबरदस्त फायदा हुआ है। हालांकि रैंकिंग में तो कोई अंतर नहीं हुआ है। भारतीय टीम पहले से भी 3रे नंबर पर थी और अब भी 3रे स्थान पर है, लेकिन रेटिंग में बढ़ोतरी हुई है। जिम्बाब्वे सीरीज के बाद भारत के 111 रेटिंग पॉइंट हो गए हैं। 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2 मैच हारकर मेजबान टीम जिम्बाब्वे पहले ही सीरीज गंवा चुकी थी, लेकिन 3रे मैच में उन्होंने भारत को कड़ी टक्कर दी थी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, नुनू कुमार, कविता कुमारी, सुधीर कुमार पटेल, मुटुर रंगीला,
रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, मनीष कुमार, उमेश ऋषिदेव, शंकर मुखिया, विजय कुमार, भान प्रकाश मौर्य, तपेश्वर चौहान और आशुतोष कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार में हो रही सीबीआई के छापे को आप किस तौर पर देखते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।